हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और दोस्तों, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2019-20। आपको किस तरह से आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट के लिए तैयारी करनी है दोस्तों, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, स्टडी प्लान क्या रहेगा आपका, और किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। और अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हो तो 80 प्लस नंबर आपके प्री एग्ज़ाम में आने से कोई नहीं रोक सकता। और कट ऑफ कितनी जा सकती है प्री एग्ज़ाम में, और प्री एग्ज़ाम में आपके कम से कम कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि आप CBT 2 में एंटर कर जाओ, तो सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो को कंटिन्यूसली कम्प्लीट देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनटीपीसी के अंदर तीन सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। एक होगा रीजनिंग, एक होगा जनरल अवेयरनेस और एक होगा मैथ। जनरल अवेयरनेस के अंदर ही जीएस और साइंस दोनों हमने कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि रीजनिंग हमें क्या पढ़ना है रीजनिंग के अंदर, और कहाँ से पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के होंगे वो 30 क्वेश्चन। तो रीजनिंग जो है ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, आप सभी कर लेते हैं इसको इजीली बिना तैयारी के भी। और टाइम की इसमें बात होती है तो इतना टाइम इनफ होता है रेलवे के एग्ज़ाम में कि आपको टाइम की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके लिए आप कुछ भी ना करें दोस्तों, हर रोज़ आपको जो है प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस क्वेश्चंस की। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको जो है रीजनिंग के अंदर केवल और केवल प्रीवियस क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कर लेनी है, वो आपके लिए इनफ होगा। 30 में से आपके 28 प्लस ईजिली आ जाएंगे अगर आप वो कर लेंगे अच्छे से। अब मेन चीज़ जो है दोस्तों वो आती है हमारी जनरल अवेयरनेस की। दूसरा जो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर, 40 मार्क्स का आता है 100 में से। तो इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर दोस्तों दो सब्जेक्ट में हमने अलग अलग कर दिए, एक जीएस और एक साइंस। तो दोस्तों जीएस के अंदर आप सभी जानते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। और साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सबसे पहले जीएस की बात करते हैं दोस्तों, 40 में से आपके 25 क्वेश्चन जीएस में से आने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपके 25 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस में से आएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अभी आपका एग्ज़ाम जो है एक या डेढ़ महीने के अंदर जरूर हो जाएगा। तो आपको इसमें जीएस तो देखिएगा, आप एक बार सबसे पहले क्या करिएगा, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर दोस्तों, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर जरूर कर लीजिएगा। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर में से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये एग्ज़ाम कौन ले रहा है, TCS आपके एग्ज़ाम ले रहा है। TCS जो है NTPC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, और वो ज़्यादा प्रेफर करता है करंट अफेयर को। तो करंट अफेयर आप जरूर करिएगा, लास्ट 6 मंथ की इनफ है आपके लिए। लास्ट 6 मंथ में आपको देखिएगा कैसे पढ़ना है, वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर कर लेते हैं तो आपके 40 में से 10 नंबर यहां से पक्के हो जाते हैं। उसके बाद जो बच गए हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, और देखिएगा दोस्तों NTPC के अंदर क्या है, रेलवे के अंदर क्या है, क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही पूछे जाते हैं। उसके लिए मैंने 500 क्वेश्चनों से ज़्यादा, जिसमें साइंस और ये आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो सब कुछ है, वो दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को। अगर उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके बाकी जो बच जाते हैं 20, 25 में से 10 तो हो गए 15 क्वेश्चन, 15 में से आपके 10 प्लस इजीली आ जाएंगे। तो आप वो क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। तो जीएस का आपका जो मन में चल रहा था कि हमें नहीं आता वो नहीं आता, तो आप इतना कर लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके इतना करके देखिएगा, खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे को बहुत कुछ आता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साइंस की। तो साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीन सब्जेक्ट आते हैं, और रेलवे के अंदर ये 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं 40 में से। तो दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको जो है केमिस्ट्री में फार्मूले कुछ याद कर लेने हैं। फिजिक्स के अंदर जो है आपको जो रिफ्लेक्शन ये चैप्टर्स हैं ये पढ़ लेने हैं। और बायो की मैं बात करूं दोस्तों, तो बायो से 12 से 15 के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके बायो में से होंगे। तो बायो के लिए आप जो है 9th या 10th की बुक पढ़ें NCERT, या फिर जो है आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा बायो के, आप एक बार उसको रीडिंग कर लें, उसमें से बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों आप को पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना कैसे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, आपको जो है एक महीने में अच्छे से तैयारी कैसे कर लेनी है।
इसके बाद नंबर तीन हमारा लास्ट और अंतिम सब्जेक्ट है, वो है मैथ्स। मैथ्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 30 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर का। और इसके अंदर अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंचुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन और बेसिक एडवांस के 5 से 6 क्वेश्चन। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको इतने दिन हो गए हैं, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अर्थमेटिक को तो अच्छे से कर ही लिया होगा, अर्थमेटिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात आती है मैंचुरेशन की, तो मैंचुरेशन देखिएगा दोस्तों काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है, वैसे वाइड एक टॉपिक है, जो करें आप तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन जो रेलवे एनटीपीसी और खासकर CBT 1 की बात की जाए तो केवल और केवल बेसिक फार्मूले ही पूछेगा। इसके अंदर आपको आयत, वर्ग, शंकु, त्रिभुज, ट्रायंगल, जो ये आपकी रेक्टेंगुलर है, इनके जो है आपको क्षेत्रफल, वॉल्यूम के फार्मूले याद कर लेने हैं। किसी के अंदर साइड पूछ जाए तो साइड निकालने के आपके फार्मूले याद कर लेने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। इन ही फार्मूले के ऊपर आपके मैंचुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। अब बात आती है बेसिक एडवांस। बेसिक एडवांस में एलजेब्रा के जो आपको आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक्स प्लस 1/x आपको दे दिया, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर क्या होगा, ये इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे कि ए स्क्वेयर माइनस 2 इसका वो होता है। तो इस तरह से आपको बेसिक आइडेंटिटी कर लेनी है। इसके साथ ही आपको जो एक ट्रिग्नोमेट्री का एक वो आता है टॉपिक, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको देख लेना है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है। तो टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटन्यूज, ये हो जाएगा कोस थीटा बेस बाई हाइपोटन्यूज, और परपेंडिकुलर बाई हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा आपका टेंजेंट थीटा। इसी प्रकार इसके उल्टे कर देंगे इधर से उधर, तो ये आपके हो जाएंगे कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। तो इस तरह से आपको बेसिक एडवांस के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री कर लेनी है हल्की सी, और साथ में आपको कर लेने हैं बेसिक आइडेंटिटी एलजेब्रा के अंदर। इससे बाहर आपको दोस्तों कुछ नहीं आएगा, और आपको रिमाइंडर थ्योरम वगैरह ये तो आती ही होगी, क्योंकि 4 से डिवाइड ही करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता दोस्तों। इस तरीके से अगर आप सभी सब्जेक्टों को पढ़ते हैं, ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों स्टडी प्लान आपका क्या रहेगा, 2+1 आवर, मतलब कि 3 घंटे आपको देने हैं GA के अंदर, जिसमें से 2 घंटे आपको GS के अंदर, जिसमें करंट अफेयर पढ़ेंगे आप, और मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं 500 से 700 क्वेश्चन, उनको जो है रिवाइज करेंगे। हर रोज आप 50 क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे आप, 1 घंटे मुझे लगता है कि 2 बार पढ़ दोगे 50 क्वेश्चनों को, तो 50 क्वेश्चन आपके 2 बार पढ़ते ही इजिली याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे आप। तो 50 क्वेश्चन हर रोज के पढ़ने आपको, जो मैं PDF दे रहा हूँ नीचे, और उसके साथ 1 घंटे आपको पढ़ना है करंट अफेयर, ठीक है। इसके बाद जो 1 घंटा मैंने इधर बोला है, ये है स्पेशल साइंस के लिए। तो बायो को आपको हर रोज़ आधा घंटा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही लगाने, उसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा आप सभी को, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको इस चीज़ की। तो 3 घंटा आपको देना है GA को। और इसके बाद मैथ की बात आती है, तो मैथ को आपको 1 से 2 घंटा, अगर आपका मैथ काफ़ी वीक है तो आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, और अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आपको 1 घंटा या फिर इससे कम समय में भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैथ जो है रेलवे के अंदर ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, बेसिक ही पूछा जाता है। अब बात आती है रीजनिंग के लिए क्या करें, तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर रोज़ आधा घंटा हो या फिर 1 घंटा हो या फिर 20 मिनट या फिर 40 मिनट, जितना भी आपको टाइम मिले, 1 प्रीवियस पेपर आपको कंप्लीट कर लेना है। एक प्रीवियस पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 क्वेश्चनों में से 10-15 क्वेश्चन तो आपको आते होते हैं इजिली, और 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ पजल है या कुछ और चीज़ें हैं, तो उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आधा घंटा हर रोज़ प्रैक्टिस। मतलब कि मैंने आपको नीचे 10 से 15 पेपर के लिंक दिए हैं, तो 15 पेपरों के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन कर जाएंगे, 15 × 30 करें तो 15 × 3 = 45, 450 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, जो आप 1 महीने में इजीली कर लेंगे। तो दोस्तों आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको देखिएगा मैथ में 30 बताएं तो 25 आप इजीली ले लेंगे, और रीजनिंग के अंदर भी आप 25 इजीली ले लेंगे, अगर आपकी रीजनिंग बहुत वीक होगी इस प्रकार तैयारी करने के बाद तो भी आप 25 इजीली ले आएंगे, और 40 जो मैंने GS के बताए हैं वहाँ पर आप थोड़े से वीक रह सकते हैं अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपने इतना कर लोगे ना जो मैंने बताया है तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन इतना जो बताया इससे भी आधा भी कर लोगे ना तो भी आपके 40 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए, तो 75 नंबर तो उस बच्चे को आ जाएंगे जो काफ़ी वीक है, जो ज़्यादा ना GS जिसको अच्छी आती है ना जिसको रीजनिंग अच्छी आती है, तो वो भी कर लेगा, और जिसको ये तीनों सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पहले ही स्ट्रॉन्ग है और इस तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं, तो दोस्तों मेरी गारंटी है 80 से 85 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आपको ईजिली आ जाएंगे, और 85 में
आप जो है कट ऑफ में सबसे टॉप पर मिलेंगे। सीबीटी वन की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सीबीटी टू के लिए काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट लिए जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 20 टाइम्स आपके कैंडिडेट लिए जाएंगे सीबीटी टू के लिए, क्योंकि सीबीटी वन जो है सभी के लिए कॉमन टेस्ट है। तो इसके अंदर आपको जो है सीबीटी वन में कम से कम 65 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी, जनरल कैटेगरी की 65 से 70 इतने नंबर आपको चाहिएंगे। तो सीबीटी वन के लिए आप एक महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो सीबीटी वन आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि मुझे सब कुछ आता है और मैं इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर लूँगा। जब आप सोचने लगेंगे इतने कैंडिडेट हैं मैं कैसे आगे आ पाऊँगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है वो है, तो वो आपका सिर्फ मनोबल डाउन करेंगे और कुछ नहीं होगा। इसे आप ना तो पढ़ पाएंगे और ना ही कुछ अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाएंगे। दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, एक तो कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, आपको जो है अपने आप को ये सोचना है कि मेरी तैयारी कितनी है, औरों का मुझे नहीं पता। अगर मेरे सभी सब्जेक्टों की तैयारी अच्छे से हो गई है तो और चाहे कंपटीशन कितना भी हो मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर दूंगा। बस मन में विश्वास रखना है हमेशा, और अपने माता पिता की ओर देखना है कि वो आपको कितने सालों से देख रहे हैं, आपको कामयाब होने की आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कामयाब हो और उनका जो है नाम हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनकी तरफ देख करके जब भी आपको लगे कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे को पढ़ाया है, मेरे को कोचिंग दिलवाई है, मेरे को इतना कुछ कर रहे हैं, मेरे को ज़्यादा काम भी नहीं करवा रहे सिर्फ पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है, उनकी ओर देख करके पढ़ाई को हमेशा चालू रखना है और जल्द से जल्द अपनी लाइफ में सक्सेस होना है। तो दोस्तों आप जितना पढ़ोगे एक महीने उतनी ज़्यादा सक्सेस आपके नज़दीक होगी। और दोस्तों एनटीपीसी के अंदर 35,000 जो पोस्ट निकली हुई है आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, और इस बार आपको 35,273 पोस्ट है उनमें आपका एक सीट जो है पक्की होनी चाहिए। दोस्तों मन में लगा लीजिएगा कि एक सीट वहाँ पर मेरी है, उसके लिए बस आपको एक महीने अपनी मेहनत करनी है। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कोई नई अपडेट आती है RRB NTPC की तरफ से। थैंक यू।